हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ट्रेडिशनल नेपाली स्टाइल में चिकन मोमो बनाने जा रहा हूँ। ये एकदम स्वादिष्ट है, अच्छा है, टेस्टी है, जूसी है और फ्रेश और हेल्दी है। एकदम खाने के लिए ये अच्छा है। इसके लिए मैंने कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस लिया हूँ कैसे चिकन मोमो टेस्टी और अच्छा होता है बोल के, तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो पूरा देखे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं 1 किलो कीमा लिया हूँ, इसमें धनिया और हरा प्याज काट के डाला। इसके बाद में मैं ये प्याज ओनियन काट के डाल दिया एकदम बारीक से, और ये है शिमला मिर्ची कैप्सिकम भी डाल के इसमें मिक्स कर दिया। इसके बाद में ये ग्रीन चिल्ली भी छोटा सा काट के बारीक काट के इसमें डाल दिया, और इसमें डालने जा रहा हूँ ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा, और इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, और उसके बाद में ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर ज़रूरी है ये, और ये ब्लैक पेपर भी डाल दिया, और इसमें डालने जा रहा हूँ मोमो मसाला। ये मैं खुद बनाता हूँ, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो करी पाउडर भी डाल सकता है, और ये है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और ये कुकिंग ऑयल। उसके बाद में मैं डालने जा रहा हूँ यह है सोयाबीन सॉस, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और कलर भी थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। चिकन मोमो में ये सोया सॉस स्पेशली डालना चाहिए, अच्छा रहता है, और इसको एकदम अच्छा से इसको मोलना है, कोई जल्दी नहीं करना है। जितना अच्छा से ये कीमा और पूरा इन्ग्रीडियंट्स इसमें मिक्स हो जाएगा उतने अच्छा होएगा बाद में। इसके बाद में तकरीबन मैं अभी छोटा दूसरा बर्तन में डाल के कम इसको 4 से 5 घंटा तक में ऐसे रखेगा। देखिए इसमें डाल रहा हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और फुल डिटेल इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। और इसका सेकंड पार्ट है, ये मैदा लेने जा रहा हूँ। इसमें तकरीबन 1 किलो मैदा इसमें मैं छान रहा हूँ। इसके बाद में अभी मैं इसमें कम से कम 2 गिलास पानी, ये वाटर गिलास का 2 गिलास पानी डाला। सबसे पहला मैं 1 गिलास डाला, उसके बाद में 1 गिलास डाल के एकदम अच्छा से इसको मिक्स करना चाहिए, ताकि ये एक आपस में बाद में गीला भी नहीं रहेगा और टाइट भी नहीं होना है। इसने 1 गिलास पहला डाल के इसको अच्छा से मिक्स करके दोबारा फिर 1 गिलास डाल के इसको फाइंड आउट करेंगे। तब तक इसको एकदम अच्छा से गोदना है, ताकि ये बाद में एकदम सॉफ्टनेस भी हो, सॉफ्ट भी हो और ज़्यादा टाइट भी नहीं हो और अच्छा भी रहेगा, और मोमो का शेप बनाने के लिए भी एकदम अच्छा लगेगा। ये तरीका से अभी थोड़ा थोड़ा पानी, ताकि ये जो छोटा छोटा रुक जाता है उसको उठाने के लिए, अब सब उठा के एक साथ में अच्छा से इसको मैं मुट्ठी के सहारा से इसको अच्छा से मोल रहा हूँ, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसको कम से कम 30 मिनट तक एयर बंद करके, एयर क्लोज करके इसको रख के ये 30 मिनट के बाद में मैं निकाला। देखिए सॉफ्ट हो गया थोड़ा, और इसको और अच्छा से इसको बनाएंगे। उसके बाद इसको हम पीस पीस में चाकू का सहायता से काट सकता है। देखिए अभी मैं ये मोमो का शेप
गोला काटने जा रहा हूँ। ये साइज में मोमो का शेप परफेक्ट रहता है, ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता और छोटा भी सही नहीं रहता है। तो ट्राई कीजिए आप लोग भी ये साइज़ का गोला काटने के लिए। आप लोग हाथ से नहीं काट सकता है तो चाकू का शायद से भी आप ये तरीका का गोला काट सकता है। मैं बहुत साल से काट रहा हूँ, इसने मुझे एक्सपीरियंस है कि ये साइज एकदम बिल्कुल छोटा और बड़ा नहीं होता। इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि ये आपस में एक जगह नहीं पकड़ेगा। और ये जो इसको मैं क्वाइन का शेप में ऊपर से दबा रहा हूँ, बाद में बेलने के लिए आसान रहेगा। आप देखते जाएगा और मैं इसको बेलने जा रहा हूँ। ये मोमो का जाली है, स्टीमर, आप लोग को मालूम है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा कट हो गया, मैं थोड़ा बेल चुका था, फिर भी कोई मुश्किल नहीं। ये इसी साइज़ में बेलने हैं, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं होना और मोटा भी नहीं होना है। अब जा रहा है मोमो बनाने के लिए। ये जो कीमा कम से कम मैं 5 घंटा रख दिया नॉर्मल हीट में, रूम टेम्परेचर में। अब इसको बनाने जा रहा है एकदम प्यार से। आप लोग को मालूम नहीं रहेगा, आराम से बनाइएगा। धीरे धीरे 2-4 पीस 4-5 पीस बनाने के बाद आप लोग आ ही जाएगा। आता है तो ठीक है, नहीं तो एक मकीना भी आता है, मशीन भी आता है ये बनाने के लिए, छोटा छोटा प्लास्टिक का, उसका सहायता भी बना सकता है। लेकिन टेस्ट जो है और बनाने तरीका, आप लोग मेरे को आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा, मिस्टेक नहीं होगा। मैं इसको अभी तकरीबन 1 प्लेट तत्काल के लिए स्टीम करने जा रहा हूँ। ये मैं मोमोज बाकी कीमा का बना के रखा हूँ, होटल के लिए है, ये ऑर्डर आएगा तो हम लोग बेचेगा इसको, बोल के बना के रख दे इसको, बाद में इसको कस्टमर के लिए। देखिए ऐसा ये डिजाइन का मोमो बनता है, ये चिकन भी। अब इसको स्टीम करने जा रहा है, कम से कम हम इसको ऐसे हीट में 12 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, तब तक ये पक भी जाएगा। देखिए कितना अच्छा खुशबू भी है और मोमोज भी फूल गया, देखिए कितना अच्छा है, खाने के लिए रेडी है अभी। चलो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए होंगे और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। प्लीज़ स्टे कनेक्ट।